Now let us take illustration one to just to understand how we use different integrals. ठीक है, बहुत basic example है ये वाला. ठीक है, 4x square plus 3x square minus 2x plus 1 dx. We have to integrate it from 0 to 1. ठीक है, देखो. पहले क्या करना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, हमें normal integration use करनी है indefinite के तरीके से. For a time being 0 और 1 को भूल जाओ. ठीक है, integrated जब लेगा normal function तो ये हो जाएगा 4x4 upon 4 plus 3x3 upon 3 minus 2x2 by 2 plus x. मैंने क्या बोला था, ये साइन लगाना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, ये लगाया तो टर्म बनती क्या, बेसिकली दिस इज नथिंग बट x4 plus x3 minus x2 plus x 1 0. ठीक है, तो हम यूज कैसे करना है इसे, पहले नीचे माइनस से साइन लगाओ. जो इसके इधर टर्म आ रही है, दो टर्म लाएंगे माइनस का आया, तो इधर वाली टर्म कैसे आ रही है, अपर लिमिट को इस फंक्शन के अंदर पुट करो. ठीक है, x की जगह जगह 1 पुट करो. सो व्हाट यू विल गेट, 1 plus 1 minus 1 plus 1, दिस इज 2. 0 डाल दो यहां पर, तो आई गेट 0. तो आंसर इज 2 ओवर. ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, बहुत बेसिक एग्जांपल ही है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स को यूज कैसे करना है. ठीक है, आगे से हर क्वेश्चन में यही होता है. वैसे we'll check out that where it has to happen in this fashion. ठीक है, कई जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कई जगह नॉर्मल अपना इंटीग्रेशन वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, एंड देन आल्सो वी यूज डिफरेंट प्रॉपर्टीज लेटर ऑन, भी करेंगे हम वो चीज. ठीक है, सो ये चीज हमें मानी चाहिए दैट हाउ टू पुट द अपर लिमिट एंड देन द लोअर लिमिट इन द क्वेश्चन. ठीक है, मतलब x की जगह रिप्लेस 1, x की जगह रिप्लेस 0. ऑलराइट, नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 3 ऑफ योर पैकेज. इसमें क्या है, dx upon 1 plus sin x and you have to integrate it from 0 to pi by 2. ठीक है, देखो इसमें करना क्या है हमें, कि यार अगर मैं अपना नॉर्मल इंडेफिनिट तरीके से यूज करूं अभी, सो व्हाट आई कैन डू इज दैट आई कैन चेंज 1 by sin x into how I can write it as, ये चल रहा है, मैंने इसको करा 1 by cos pi by 2 minus x, इसमें कोई हार्म नहीं है. ठीक है, और अगर मैं cos pi by 2 minus x वाला फॉर्मूला यूज करता हूं इसमें, दैट cos 2 theta, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos square theta minus 1. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta. अगर ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पर यूज करता हूं, तो व्हाट आई गेट ओवर हियर इज dx of 1, जब मैंने लिया मुझे 2 टाइम्स cos स्क्वायर pi by 4 minus x by 2 using the that formula, हाफ एंगल हो जाएगा इसका. ठीक है, इस 2 को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये क्या था, 0 से pi by 2. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये आ गया तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, भाई ये sec स्क्वायर चला जाएगा और मुझे sec स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, हमसे पता है दैट इज 10x. सो दिस इज नथिंग बट हाफ इंटीग्रल 0 से लेकर pi by 2 tan of pi by 4 minus x by 2, सॉरी मैंने डायरेक्ट इंटीग्रल लिख दिया है, तो दिस वुड बी इन दिस वे. ठीक है, ये बात समझ में आई. ठीक है, ये आया, और अभी देखो इसमें मैंने नीचे ही लिखा है. ठीक है, यू विल आल्सो गेट माइनस हाफ ओवर हियर एज वेल, बिकॉज क्या टर्म है ये, माइनस एक्स बाई टू टर्म है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक माइनस हाफ नीचे भी आएगा. ठीक है, माइनस हाफ अगर नीचे आता है तो दिस टर्म एंड द आउटर हाफ विल गेट कैंसिल और सिर्फ माइनस बन जाएगा बाहर. ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू जाओ तो इसकी, ठीक है, तो टैन 0 बन जाएगी. अब अगर मैं इसमें देखो, आई पुट अपर लिमिट दैट इज pi by 4 minus x by 2 से pi by 2 से 0. ठीक है, देखिए अब ना pi by 2 अगर इधर डालता हूं तो बन जाएगा क्या, tan pi by 4. ठीक है, लिमिट pi by 4 minus pi by 4 क्या हो गया, 0. सो आई गेट 0 इज द फर्स्ट टर्म, और 0 डालता हूं इसमें तो आई गेट tan pi by 4 व्हिच इज 1. ठीक है, आंसर आ जाएगा टोटल, आई गेट आंसर एज 1 ओवर. ठीक है, एक प्रोसेस ये है जो आपकी बुक में मेंशन है. Now let us discuss the other solution of a
That is much more important than this technique. Alright. ठीक है, now let us discuss other way of doing this question. तो इसमें कर क्या सकते हैं कि देखो कई बच्चे क्या करेंगे इसमें, क्योंकि वो डेफिनेट में करते हैं तो इनडेफिनेट में करते हैं सॉरी, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको 1 माइनस साइन एक्स और से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. ठीक है, एक तो ये स्ट्रेटजी बनती है इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करा मल्टीप्लाई करा तो इससे क्या बना, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स, सो आई कैन राइट इट एज 0 से पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये लिख सकते हो इसको. ठीक है, ये बन गई. अगर इसको मैं आगे फर्दर करता हूं तो क्या बनेगा, 0 से पाई बाय 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स व्हिच इज नथिंग बट अगर देखा जाए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स विल बी sec square x minus sec x square x हो जाएगा. देखो इसे ढंग से, ये क्या बना है sin x upon cos square x. ठीक है, वो क्या बनेगा sin x by cos x into 1 upon cos x, so this will be tan x and sec x. और हमें पता ही है कि sec square x integration क्या होती है tan x, sec x tan x integration क्या होती है sec x. लो जी यार, ये तो सॉल्व हो गया, लगा दो इंटीग्रल. ठीक है, बट इफ नाउ आई पुट द अपर लिमिट इनमें पुट करता हूं दोनों में, व्हाट आई गेट, इंफिनिटी आ रहा है मेरा, tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी, sec x एट पाई बाय 2 इज इंफिनिटी. तो मैं कुछ नहीं बता सकता यार, इंफिनिटी का क्या होगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू इज. ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेप गलत हो गया, यहां तक पहुंचने पे आई कैन नॉट गो फर्दर बिकॉज मुझे इस चीज की वैल्यू नहीं पता है, सो आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट राइट दिस थिंग एज इक्वल टू 0. ये आपने लिमिट्स में भी पढ़ा होगा बिकॉज इट्स अ इंडिटरमिनेट फॉर्म, आई कैन नॉट से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी विल बी 0. ठीक है, तो आई एम स्टक अप ओवर हियर, मैं अटक गया हूं यहां पर, क्या करूं. देखो जो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लॉ आया कहां से यार, सब कुछ तो सही करे, अगर इंडेफिनिट का क्वेश्चन होता तो मुझे पूरे मार्क्स मिल गए होते, कि tan x - sec x + c इसका आंसर था. गलती होती क्या है कि अगर मैं देखूं मैंने इसको क्या करा, आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 1 माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड इट बाय 1 माइनस साइन एक्स. प्रॉपर्टी क्या थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो कुछ, मेक इट श्योर इट इज नॉट इक्वल टू 0 इन द इंटरवल गिवन टू यू. मतलब इंटरवल क्या है मेरा 0 से पाई बाय 2. तो ये देखो कि 1 माइनस साइन एक्स 0 बन रहा है क्या बिटवीन 0 से पाई बाय 2 इंक्लूडिंग 0 से पाई बाय 2, मतलब ये वाला इंटरवल. So, देखो कि यहाँ इस इंटरवल में 1 माइनस साइन एक्स 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अरे हाँ यार, ये तो बन रहा है, एंड x sin x इक्वल टू पाई बाय 2 sin से बन जाता है 1, 1 माइनस 1 इज 0. सो मैं कर क्या रहा हूं, बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग माय ओरिजिनल टर्म विद अ टर्म व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0. तो अगर 0 बाय 0 वाली फॉर्म से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर विल कम रॉन्ग. ये ही स्टेप जो हमने करा है यहां पर, इस स्टेप में ही फॉल्ट है. This term is wrong. I cannot multiply a term with a term which is in the form 0 by 0. ठीक है, उसको मैं multiply नहीं कर सकता. ठीक है, एक पहली बात important है समझ में आई, ये मैं नहीं कर सकता. तो आगे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, या तो आप मेथड बदल दो अपना पूरा, ये multiply ना करो जैसे हमने पहले करा था वैसे कर लो, और now make it a limit question कि value हमें क्या find out करनी है. देखो हम इसको लिमिट के क्वेश्चन में अप्रोच कर रहे हैं कि फाइंडिंग द वैल्यू एट x अप्रोचिंग पाई बाय 2 ऑफ tan x माइनस sec x. ठीक है, ये पहली टर्म बनी मेरी अपर इंटीग्रल डालने से. ठीक है, और जीरो डालते तो देयर इज नो प्रॉब्लम, माइनस tan 0 माइनस sec 0. ठीक है, ये ठीक बन रही है. ठीक है, ये समझ में आया, अपर लिमिट्स जरूरी. या देखो ये मत कंफ्यूज होना, आपने तो पहले था a माइनस b कर दे, ये तो चार टर्म आ गई a माइनस b माइनस a माइनस b. यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द फंक्शन, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, उसमें 3 माइनस हो 5 माइनस हो 6 माइनस हो इट डजंट मैटर. ठीक है, पाई बाय 2 डालता हूं तो क्या बनता है 10 पाई बाय 2 माइनस
किसमें कर दिया, लिमिट्स की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस टेन जीरो माइनस सिक्स जीरो विच इज नथिंग, ये क्या बन जाएगा, जीरो माइनस वन, बाहर माइनस था तो नेट क्या बन जाएगा, इट विल गेट प्लस वन, ठीक है। और अब आप इसको आगे लिमिट की तरीके से सॉल्व करना, बाकी में भी सॉल्व है ये, सो आई विल नॉट गो इन द लिमिट पार्ट बिकॉज हम कौन सा चैप्टर है, वी आर डूइंग डेफिनेट, ऑलराइट, इट्स अ बिग चैप्टर एंड आई नीड टू गो ओवर इट फर्स्ट, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हाउ टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप इनडेफिनेट में भी कर देते, हाउ डू यूज सब्स्टिट्यूशन, सेम प्रोसेस है यहाँ पर, बट होता क्या है यहाँ पर, नाउ द लिमिट्स विल आल्सो चेंज, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो आपकी है वो भी अब चेंज होगी, ठीक है। डोंट वरी, लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी सॉल्व, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। क्या कहता है वो, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 cos x अपॉन 1 plus sin x होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले दिमाग में अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें, हमने जब इंडेफिनिट का चैप्टर भी करा था, हमारा क्या टर्म लॉजिक होता था, यार टर्म्स छोटी कर दिए, 1 + sin x ओवर में t डाल देता हूं और इंटीग्रेट करता हूं, न्यूमरेटर पे मिल रहा है, यार भले-भले हो गई, आई हैव 1 / t स्क्वायर नाउ, ठीक है। देखो तो अगर मैं 1 + sin x को, बल्कि इफ आई शुड राइट हियर 1 + sin x को मैं अगर t डालता हूं अपना, ठीक है, तो क्या हो गया, cos x dx equal to dt। तो ये स्टेप तो आप लोग पहले भी करते थे अपना इंडेफिनिट के। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर इज कि अब आपकी लिमिट्स भी चेंज होगी। पहले आप देखो लोअर लिमिट क्या थी आपकी, लोअर लिमिट लेट दे दिया मैंने इसको, ओल्ड लिमिट क्या थी आपकी, जीरो, ठीक है। न्यू लिमिट कैसे निकलती है, यू हैव टू फाइंड द न्यू लिमिट, यू आप कैसे निकालोगे न्यू लिमिट अपनी, x को 0 डालो, नाउ द न्यू लिमिट विल बी डिपेंडेंट ऑन t, ठीक है ना। देखो पहले वेरिएबल क्या था यहां पर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ वी आर द क्वेश्चन हैज कन्वर्टेड इनटू वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इन टर्म्स ऑफ t, सो जो लिमिट भी होगी वो क्या डिफाइन करेगा, t ना कि x। सो अगर मैं sin x में x को 0 डालता हूं t क्या होता है, 1, so now the lower limit is 1, not 0, upper limit पहले क्या थी, pi by 2, ठीक है, pi by 2, again put it over here, x को put करो, तो क्या मिलता है, 1, 1 plus 1, 2, so now the new limit is, new upper limit is 2, not pi by 2, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, जब भी तुम substitute कर रहे हो, उसके हिसाब से लिमिट्स जरूर चेंज करना, ठीक है। कीप इन माइंड कि लिमिट्स बहुत जरूरी है चेंज करना, बिकॉज नाउ वी हैव चेंज द वेरिएबल बाय व्हिच वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, पहले x था अब t हो गया। नाउ नाउ इट्स अ लॉलीपॉप क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बता क्वेश्चन में, पहले अब लोअर लिमिट क्या हो गई, 1 2, ये क्या बन गया, 1 / t स्क्वायर dt व्हिच इज नथिंग, क्या करो उसमें माइनस 1 / t आएगा, 2 1 व्हिच इज माइनस 1 by 2 minus 1 which is nothing but half. So half is the answer for this question. Alright, I hope you have understood the method of substitution. Already got practice in your ER. You have already gone through this in the indefinite chapter. Now you just have to be careful about old limit and the new limit. ठीक है, old और new का घपला है, उसे अपने solve करना है. ठीक है, sorry. Alright, तो next दो question है, एक proper integration, proper substitution questions है जो आपने indefinite के package में भी हमने करे थे, the only difference भी हमने limits लगा दी है, so keep in mind to change the limits, alright, बस क्या करना क्या है, limit याद रखो, अगर ऊपर तुम्हें देर दिख रहा है कि definite है, you have to change the limits, alright, now let us take illustration 8 of your package, which is again in the category of substitution by substitution, ठीक है, देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द लूपहोल, जैसे हमने एक पहले वाले क्वेश्चन में करा था, थर्ड एग्जांपल से। इसका एक बहुत आसान तरीका है यार, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर + x स्क्वायर, अगर जिनको इसका फार्मूला याद है तो वो तो सीधा लिख देंगे, क्या होता है, 1 / a / tan inverse x / a which is 2,
ब्रैकेट में लगाया 2 माइनस 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोगों का बड़े आराम से ये क्या हुआ tan इनवर्स 1 माइनस क्या हो गया ये लोअर लिमिट ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 ठीक है व्हिच इज नथिंग बट क्या होता है ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 व्हिच आवर मेन आंसर वुड बी पाई बाय 4 ठीक है ये आसान है यार समझना जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा देख लो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4 ठीक है पहले अपर लिमिट डालने के बाद मिला लोअर लिमिट डालते हैं तो क्या मिलता tan इनवर्स -1 विद अ माइनस साइन आई नो tan इनवर्स इज अ ऑड फंक्शन माइनस बाहर आ जाता है तो क्या बनेगा -π/4 ठीक है माइनस माइनस π/4 इज +π/4 नेट क्या मिल जाएगा π/4 ठीक है कई लोग इसको देखो ये अप्रोच ठीक है नथिंग रॉन्ग इन दिस अप्रोच नथिंग रॉन्ग दिस इज करेक्ट बट अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं करता रादर देन डायरेक्टली गोइंग टू द फार्मूला जैसे कई लोगों को फार्मूला याद नहीं होगा नहीं करता यार कई लोग ठीक है ना उन्हें इंटीग्रेशन तो मतलब ही नहीं है इंटीग्रेशन से ठीक है फार्मूला याद क्यों करेंगे वो लोग सो वो क्या करेंगे लगेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन पे उन्हें फार्मूला याद नहीं करेंगे ढंग से करेंगे मतलब कि कई लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 1 बाय 10 देखो उससे क्या होता है अगर मैं पहले तो क्या करना है अपर लिमिट निकालनी है लोअर लिमिट निकालनी है नहीं लोअर लिमिट क्या बन गई माइनस हाफ ऊपर वाली लिमिट बन गई हाफ ठीक है dx ये क्या बनेगा 4t² प्लस 1 * t² ठीक है अभी dx को रिप्लेस करना है dx क्या बना भैया माइनस 1 / t² dt तो क्या करेंगे माइनस 1 / t² dt t² कैंसिल सो दिस बिकम्स माइनस बाहर आ गया माइनस हाफ से हाफ dt 4t² प्लस 1 ठीक है ये बना अब क्या करता हूं मैं देखो इसको मैं पहले डिफरेंशिएट कर दूं अब मुझे बोले मिस्टर फार्मूला याद आ गया यार हां ये tan इनवर्स का फार्मूला भी होता था एक ठीक है अब ये tan इनवर्स का फार्मूला लगा देते हैं उसमें तो ये क्या बन जाएगा देखो tan इनवर्स 2t बन जाएगा ये फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं और पावर भी है बाहर तो 1/2 आ जाएगा हाफ से लेकर माइनस हाफ ठीक है और माइनस का ही ऑलरेडी तो कैलकुलेशन करता हूं तो क्या बनता है माइनस हाफ पुट करता हूं अपर लिमिट तो क्या बनता है हाफ बनेगा 1 बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स माइनस 1 दिस विल अगेन गिव मी व्हाट वैल्यू मुझे अगेन देगा पाई बाय 2 टाइम्स पाई बाय 4 2 से 2 कैंसिल आंसर आया है माइनस पाई बाय 4 तो पहले केस में आंसर आ रहा था पाई बाय 4 नाउ द आंसर इज कमिंग टू बी माइनस पाई बाय 4 जबकि फार्मूला दोनों सेम यूज कर रहा है यहां पर भी tan का फार्मूला यूज कर रहा है यहां पर भी tan इनवर्स का फार्मूला यूज कर रहा है सेम अगर सीरीज बन रही थी a2 + x2 ये भी a2 + x2 वाली फॉर्म है तो गलती कहां हो गई सोचने वाला पॉइंट है कि गलती कहां पर हुई है मेरी देखो आंसर कौन पहली बार तो आंसर सही कौन सा है ये भी ठीक कर रहा है ये भी ठीक कर रहा है यार दोनों के सेम आंसर आने चाहिए थे व्हिच आंसर इज रॉन्ग जो मैंने दूसरी बार में कर रहा है ऑब्वियसली दैट आंसर इज रॉन्ग बोल ही चुका हूं मैं पहले ये आंसर ठीक है गलती हुई कहां है वो देखना है वो गलती हुई है मेरी इस सब्स्टिट्यूशन पार्ट में मैंने सब्स्टिट्यूट करा है यहां पर दिस इज रॉन्ग ठीक है ना जैसे मैं उसमें पढ़ा था पहले भी मल्टीप्लाई कहां से कहां नहीं कर सकता जब इट इज गेटिंग जीरो इन दैट इंटरवल सिमिलरली आई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू जैसे मैंने x को यहां 1/3 डाला है आई कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू बिकॉज़ ये क्या देखो ये क्या बन रहा है x का देगा वैल्यूज यहां पर ये क्या बन जाएगा 1/0 वाली फॉर्म बनेगी क्योंकि t की नई इंटरवल क्या आ रही है देखो -1/2 से हाफ So obviously you need to say that t will take value equal to 0. Okay? And at t equal to 0, 1/t becomes 1/0, which is mathematically undefined. That means you cannot substitute. जब t equal to 0 होगा तो function क्या हो जाएगा? Discontinuous. 1/x का graph जो होता है, देखो. One by x का graph देखें, तो कैसा होता है?
ऐसा ग्राफ बनता है 1 बाय x का, इट इज डिसकंटीन्यूअस एट y लाइन y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0 लाइन पे इट इज डिसकंटीन्यूअस। सिमिलरली ये 1 बाय t का ग्राफ भी है, क्योंकि x को अगर आप t से रिप्लेस कर दो सो आप उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते व्हिच इज नॉन कंटीन्यूअस इन द इंटरवल। अगर आप कोई ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हो जो कि जो नया लिमिट आ रहा है उसमें वो डिसकंटीन्यूअस है, द आंसर विल कम आउट टू बी रॉन्ग। आपने हमेशा सब्स्टिट्यूट कौन सा फंक्शन करना है व्हिच इज कंटीन्यूअस इन द इंटरवल, कीप इट अप इन द माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। बहुत छोटी-छोटी गलतियां आती हैं इस कांसेप्ट के ऊपर, ठीक है। और आई एम अगेन रिपीटिंग इट, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, वही वैल्यू करनी है यहां पर वो कंटीन्यूअस है। द फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस इन द एंटायर इंटरवल, अगर कहीं भी डिसकंटीन्यूअस है यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, या फिर आपको उसे बाइफर्केट करना पड़ेगा, वो और भी रिस्की काम होता है, तो मतलब मान के चलो वो काम नहीं करना, ठीक है। आई होप दिस मेथड इज नाउ क्लियर टू यू। तो दो चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं जबकि अभी तक हमने डेफिनेट स्टार्ट नहीं करा है, वी हैव डन टू थिंग्स, क्या क्या कि एक तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करूंगा उस ऐसे नंबर से जो कि गिवन इंटरवल में 0 या 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। सेकंड, आई विल नॉट सब्स्टिट्यूट अ वैल्यू व्हिच इज डिसकंटीन्यूअस इन द गिवन इंटरवल अगेन। ऑलराइट, सो दीस टू कांसेप्ट्स हमने अभी करे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑलराइट,